इस समय दक्ष के ठीक सामने कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी मौजूद और कार्निवल गेमिंग भारी असुविधा में। जी हाँ, फाइट की बात रही तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉक निकल चुका है। इस नॉक को देखते हैं क्या कंफर्मेशन में यहाँ पे तब्दील कर पाएंगे। एक और नॉक निकला है, टीम सी को यहाँ पे बचना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा सवाल नहीं हो रहेंगे, एक लौते खिलाड़ी कार्निवल गेमिंग, क्या इनका यहाँ पे सफर समाप्त होने वाला है? केवल पिस्टल के साथ ये फाइट निकालना नियो करके दिखा सकते क्या और यहाँ पे बेहतर एग्जीक्यूशन है वो सवाल है। क्लोज बैट की तरफ जाते हुए फाइनली एक और नॉक निकाला गया स्काउट पे। देखिए इस समय नियो मजार में है बट ऑन द वर्ज एक बहुत ही बेहतरीन प्ले निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ अगर क्रेट्स वो लूट पाए पर अभी के लिए वैसा कुछ भी विकल्प नहीं है। और एक 1v1 की परिस्थिति में यहाँ पे फाइनली वो S12K मिलता हुआ। 75 HP यहाँ पे रिकवर करना वो इनको ज्यादा जरूरी है और उसको लिए यहाँ पे बैंडेज अप्लाई हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सामने से कंटिन्यूअसली वो वेक्टर का स्प्रे, एक आध कनेक्शन यहाँ पे बन जाए तो चीजें बिगड़ सकती है नियो के लिए। लेफ्ट राइट सेंटर करके जैसे तैसे वो हेल्थ रिकवर करने में कामयाब हो रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी चीजें यहाँ पे आसान हो, आपको मुश्किल में डाल जाए उसका ध्यान रखेंगे। फाइनली वो क्लोज फाइट नियो, ओह माय गॉड। बट मैं नाखुश बिल्कुल हूँ आईकू सोल से यार, इनसे कितनी ज्यादा उम्मीदें हमारी और कल चिकन डिनर निकाला था, इस बार आए सडनली टीम फॉरएवर में पलक झपकते वाइप किया उनको। आई गेस आई थिंक अगेन अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि ये भी वेट कर रहे हो कि चलिए प्लेऑफ्स पहुंचेंगे वहां पे अपना असली गेम प्ले दिखाएंगे। एक अनाउंसमेंट है हमारे पास और वो ये है कि जो हमारा गेम 1 था उसमें हल्का सा एक टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से टीम गॉडलाइक को 3 कॉम्पनसेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे फॉर दैट मैच 1 ऑफ द डे। यार एक तो ना ये गाड़ी जो है वो 9 पे आके अटक गई है, AKOP याद आते हैं, हंटर्स याद आते हैं, आज तुम्हारे भी 9 फिनिशेस थे एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द डे। गिनते हो कि कितने फिनिशेस हैं? शुड आई ब्रेक द रिकॉर्ड? ऐसे गिनता तो कौन ही है, आ गए तो आ गए, नहीं आएगा तो नहीं आए, क्या ही है। अलग अलग रोल्स जो हैं वो आपने अपनाए हैं एंड यू हैव डन फिनोमिनली वेल, असॉल्टर, फ्रैगर, फ्रीमैन भी खेले हो। पर्सनली स्पीकिंग किस रोल में तुम अपने आप को सबसे ज्यादा इफेक्टिव समझते हो? अच्छा नॉर्मली ऐसा असॉल्टर ही खेलता हूँ और वही मेरा नेचुरल रोल है तो वही खेलूंगा। अभी ऐसा फ्रीमैन भी खेल लेता हूँ और स्विच होते रहते हैं अब तो, मतलब सभी फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं यहाँ पे मेरी टीम में, अब पहले का नहीं पता। 9 फिनिशेस निकाले हैं लेकिन यू नो नियो, जब भी हम कार्निवल गेमिंग की बात करते हैं कुछ नाम है, ऑफकोर्स गॉब्लिन का है, यू नो हाई प्रोफाइल प्लेयर, हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग द अनसंग हीरो जो वो सब कुछ करके निकालता है जिससे टीम जो है वो लीड अबाउट पे ऊपर पहुंचता है? हाई प्रोफाइल प्लेयर तो मतलब काफी पॉपुलर है बट अपने तो टीममेट ही है नॉर्मल और हम तो एक दूसरे को पुश करते हैं कि अच्छा मैचेस जाए, अच्छे मैचेस जाए, ऐसे ही चलता रहता है, मतलब नॉर्मल ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि 16 टीम्स जो हैं वो प्लेऑफ्स में खेलेंगे और जो टॉप 4 टीम है जिन पर हर बार बाउंटी लगी रहती है वो जाएंगी सीधा फाइनल्स में। जब तुम लोगों की बातचीत चलती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे, फिलहाल कार्निवल गेमिंग के टारगेट्स क्या हैं? फिलहाल तो अपना ही टारगेट है कि 4v4 के लिए जाओ और पॉइंट्स निकालो, मतलब गन फाइट्स के लिए जाओ क्योंकि कोई टीम सीरियस तो खेल नहीं रही है, बंदे भी कमी बच रहे हैं। जैसे लॉबी खेल रहे वैसे हम खेले, हमने ट्राई करा था सीरियस खेलने का बट कैजुअल्टी हो रही है तो फिर सबका दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ो गन फाइट के लिए जाते हैं और क्या। कार्निवल गेमिंग इस बार का खिताब जो है वो टूर्नामेंट जो है वो जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है, पूरा कॉन्फिडेंस है सबको, मुझको भी, मेरी टीम को भी। एक और ऑडियंस क्वेश्चन, नियो अपने प्राइम में कब दिखेगा? देखो इसका तो मैं क्या ही जवाब दे सकता हूँ बट हाँ जल्दी दिखेगा क्योंकि मेरे को भी परफॉर्म करना है यार, बहुत टाइम से नहीं करा और अभी मेरे को ऐसा मेरे को लगता है कि अब जाके मेरे को कुछ रियल चांस मिला है।